Thank you to all of you. Happy Teachers Day to you too. And good morning. Welcome to Learners Academy. So today no one will come offline because of rains. Yes, sir. Or should I wait for someone? आगे के सारे ऑफ ऑनलाइन दिख रहे हैं सारे. ओके, सो नाइस. एवरीवन हैज पुट हिज नेम एज हैप्पी टीचर्स डे. दैट इज वेरी नाइस. थैंक यू सो मच. राजा आप भी नहीं आ रहे हो क्या आज ऑफलाइन? पर इससे पता नहीं चलेगा आपकी कौन कौन है. सबने अपना नाम रख दिया हैप्पी टीचर्स डे. चलिए कोई बात नहीं, शुरू करते हैं. सो टुडे वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 6.5 विच इज टोटली बेस्ड ऑन द थ्योरी ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा विच वी स्टडीड इन द प्रीवियस टू क्लासेस. द बेसिक्स ऑफ विच वी स्टडीड इन द प्रीवियस टू क्लासेस, मैक्सिमा मिनिमा, लोकल मैक्सिमा मिनिमा, एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा, ठीक है, उस पर बेस्ड एक्सरसाइज 6.5 है. शुरू के कुछ एक क्वेश्चंस बेसिक टाइप के क्वेश्चंस हैं, फिर धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे. काफी लंबी एक्सरसाइज भी दिख रही होगी आपको. ये टोटल है अराउंड 30 क्वेश्चंस है ना. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं ना. रेडी? ओके, mark the heading exercise 6.5 question number 1. ठीक है, चलिए देखिए बेटा, जो फर्स्ट टाइप के क्वेश्चंस हैं वो बड़े बेसिक क्वेश्चंस हैं, इनकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालनी है. ठीक है, तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है और क्वेश्चन नंबर जो 2 है, वो हम हमारे कॉमन सेंस से सॉल्व करेंगे. हियर वी विल नॉट इन्वॉल्व डेरिवेटिव्स. इधर डेरिवेटिव्स का बिल्कुल भी एप्लीकेशन नहीं करेंगे. हालांकि आप चाहो तो कर सकते हो, बट थोड़ा सा बिना डेरिवेटिव्स के भी आना चाहिए. भाई कल को कोई इजी सा फंक्शन है जिसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ऐसे ही कॉमन सेंस से हम सोच सकते हैं, उसका ग्राफ को एनालाइज करके, उसके ग्राफ को इमेजिन करके हम उसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू सोच सकते हैं, तो वो भी करना आना चाहिए. डेरिवेटिव्स तो हैं, तो उसको हम थोड़ा सा लेट यूज करेंगे. आफ्टर क्वेश्चन नंबर 2 हम उसको ट्राई करेंगे, जब अपन से लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा पूछेगा ना, तब अपन ट्राई करेंगे. यहाँ पे करीब करीब ऐसे ही फंक्शंस हैं बेटा जो एक बार ही मैक्सिमम और एक बार ही मिनिमम अटेन करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 में, और बाद में क्वेश्चन ऐसे हैं जो बार बार मिनिमम एंड मैक्सिमम अटेन करेंगे, तो वो लोकल मिनिमा लोकल मैक्सिमम बार बार निकलेगा उसमें. तो वहां पे फिर हम क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने के लिए डेरिवेटिव्स को अप्लाई करने की कोशिश करेंगे. ठीक है बेटा, कोई डाउट? क्वेश्चन नंबर 1 में हम डेरिवेटिव्स अप्लाई बिना करे ही कॉमन सेंस से एंड ग्राफ्स को इमेजिन करके ही मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे. ठीक है बच्चों, बोलो, एनी डाउट्स? यस सर. शुरू करें? यस सर. एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है fx equals to 2x minus 1 का होल स्क्वायर प्लस 3, राइट? fx equals to 2x minus 1 का होल स्क्वायर प्लस 3. ठीक है, अब इस फंक्शन क्वेश्चन क्या था, देखो, इन गिवन फंक्शंस की मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज फाइंड करें. इफ एनी मीन्स जरूरी नहीं कि मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज हो ही सही, हो सकता है ना भी हो. हो सकता है किसी की मैक्सिमम वैल्यू हो मिनिमम ना, हो सकता है किसी की मिनिमम हो मैक्सिमम ना, हो सकता है किसी की दोनों ही ना, और हो सकता है किसी की दोनों भी हो. जो जो भी है हमको फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो हमारे सामने क्वेश्चन आ चुका है पहला, 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3. अब इसकी मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है. जनरली सोचो, देखो जनरल मैथ्स की बात करें तो मुझे बताओ, किसी भी नंबर का जो स्क्वायर करेंगे तो वो हमेशा कैसा आता है, वो हमेशा किस नेचर का आता है? किसी भी नंबर पॉजिटिव और जीरो भी तो आ सकता है. बोलो, जीरो भी तो आ सकता yes, है. तो डोंट से पॉजिटिव, से नॉन नेगेटिव. नेगेटिव नहीं आएगा, बाकी जीरो और पॉजिटिव तो आ सकता है. ठीक है ना, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर भी अगर अपन सोचें तो इसका जो ग्राफ बनता है, हमने सीखा है 11th क्लास में भी, इवन 10th में भी सीखा है कि
समवॉट लाइक अपवर्ड पैराबोला जो बनता है उसकी तरह दिखाई देगा। तो ये हमेशा जीरो को टच करके और फिर ऊपर जाएगा, वाई की वैल्यू नीचे नहीं आएगी। तो जो वाई की वैल्यू होगी वो क्या होगी, या तो जीरो या जीरो से बड़ी, इस तरह का एक्स स्क्वायर का ग्राफ होता है। तो किसी भी नंबर का स्क्वायर करेंगे तो वो क्या होगा, हमेशा जीरो या जीरो से बड़ा होगा। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, हेयर वी नो दैट, एक कॉमन सेंस की बात लिख दी मैंने, हेयर वी नो दैट कि 2x-1 का होल स्क्वायर विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। यहां तक कोई डाउट, बोलो यहां तक कोई डाउट, 2x-1 का होल स्क्वायर विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, हाँ या ना बताओ, कोई दिक्कत यहां तक? नो नो। हम इस चीज को वैसी वाली चीज कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे जैसी क्वेश्चन में, वैसी शक्ल उसकी बनाने की कोशिश करेंगे। वहां पे प्लस थ्री है तो वैसी शक्ल बनाने के लिए मुझे इधर प्लस थ्री करना पड़ेगा, जब आप इधर प्लस थ्री करोगे तो उधर भी प्लस थ्री करना पड़ेगा। तो बेसिकली व्हाट आई एम डूइंग, मैं प्लस थ्री एडिंग थ्री ऑन बोथ साइड्स कर रहा हूँ, है ना, एडिंग थ्री ऑन बोथ साइड्स। तो दोनों साइड अगर मैं थ्री को एड करूं, 2x-1 का होल स्क्वायर प्लस थ्री, एंड वहां पे ये साइन एज इट इज छोड़ दिया मैंने, जीरो प्लस थ्री। तो बेसिकली जब मैंने इसको सॉल्व किया तो ध्यान से देखो बेटा, यही तो fx है, यही तो fx है, और इसकी वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो प्लस थ्री के आ गई थ्री। अब fx की वैल्यू तीन या तीन से बड़ी है, fx की वैल्यू या तो तीन है या तीन से बड़ी है, तो क्या मैं नहीं कह सकता कि fx की मिनिमम वैल्यू तीन है, यस और नो? यस सर, यस सर। ठीक है, बट इफ वी टॉक अबाउट मैक्सिमम वैल्यू, तो क्या मैं fx की मैक्सिमम वैल्यू यहाँ बता सकता हूँ? सोचो, इमेजिन करो। नो सर, नो, वी कैन नॉट इमेजिन द मैक्सिमम वैल्यू। क्यों? क्योंकि मैं बड़े से बड़ा नंबर यहाँ पे पुटअप करूंगा। सपोज करो मैंने 100 पुटअप किया, 2 × 100, 200 - 1 99 का स्क्वायर बड़ा एक नंबर है कोई, है ना, क्या 99 का स्क्वायर होता है, 9801 होता है, प्लस 3 किया तो 9804 बड़ी वैल्यू आ गई। ये लो मैं और बड़ी वैल्यू पुटअप कर देता हूँ 1000, अब 1000 पुटअप करते और बड़ी वैल्यू आएगी। ये लो मैं और बड़ी वैल्यू पुटअप कर देता हूँ 10,000, फिर 1 lakh, 10 lakh, कोई भी वैल्यू हम पुटअप करते जाएंगे, करते करते जाएंगे, तो मैक्सिमम से मैक्सिमम, मैक्सिमम से मैक्सिमम आती जाएगी। तो मैं नहीं कह सकता कि यहाँ पे कोई इसकी मैक्सिमम वैल्यू है जो हम सोच सकते हैं, तो हम मैक्सिमम वैल्यू पे कमेंट नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू 3 है, ये चीज हमने एनालाइज कर दी है। तो उसने क्वेश्चन में कहा था कि मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू जो भी आप पकड़ पाओ वो बताओ, जो नहीं मिल रही है उसको छोड़। तो मैं क्या लिख सकता हूं, हेंस द मिनिमम वैल्यू ऑफ एफएक्स, मिनिमम वैल्यू ऑफ एफएक्स इज प्लस थ्री। ठीक है, सुनो एक चीज और, अभी अपन ये भी नहीं कह सकते कि इसकी मिनिमम वैल्यू थ्री है, पता है क्यों? एक चीज पे हम कमेंट करना भूल गए। देखो बेटा, हमने स्ट्रेट अवे 2x-1 के होल स्क्वायर की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो रख दी, लेकिन हमको इसको भी एनालाइज करना पड़ेगा कि 2x-1 के होल स्क्वायर की वैल्यू जीरो हो सकती है क्या? जब मतलब मैं ये वैल्यू जीरो रखता हूं तो अंदर एक्स एक रियल नंबर आ सकता है क्या? यानी कि मिनिमम वैल्यू तो आपने निकाल ली, लेकिन हालांकि इस क्वेश्चन में पूछा नहीं है कि पॉइंट ऑफ मिनिमा बताओ, किस वैल्यू पे वो मिनिमम वैल्यू मिली है वो पूछा नहीं है, लेकिन फिर भी हमको एनालाइज करना है कि 2x-1 का होल स्क्वायर जब मैं करूंगा तो x की क्या क्या वैल्यू हो सकती है, x की क्या क्या वैल्यू हो सकती है। तो x की अगर सारी की सारी रियल वैल्यूज होंगी, अगर x की सारी क्या होंगी, रियल वैल्यूज होंगी, तब तो मैं कह दूंगा कि हाँ ये इसकी मिनिमम वैल्यू है। कैसे करेंगे ये देखिए, Also, when we put 2x-1 का होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो, तो 2x-1 की वैल्यू जीरो होती है और यहां से x की वैल्यू क्या आती है बेटा, 1/2, विच इज रियल। भाई x इक्वल्स टू 1/2 रियल निकला ना, एक रियल वैल्यू निकली, इसका मतलब है कि वो उसकी मिनिमम वैल्यू है, और वो कब अटेन होगी, जब x की वैल्यू क्या होगी, 1/2।
टू होगी, ठीक है ना। सो अब मैं कर सक कह सकता हूँ यहाँ पे, हाँ सर यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट्स नहीं निकाले क्या? अभी तक बेटा कह रहा हूँ ना, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में गए नहीं है हम, क्योंकि करीब करीब जितना मैंने देखा ये फंक्शंस ऐसे फंक्शंस हैं जो एक बार ही मैक्सिमम एक बार ही मिनिमम वैल्यू अटेन कर रहे हैं, तो हम थोड़ा सा कॉमन सेंस से भी सीख रहे हैं, ठीक है ना। क्रिटिकल पॉइंट से भी अभी बता देता हूँ, ठीक है, लेकिन कुछ इक्वेशंस कॉमन सेंस से भी करना सीखें विदाउट द यूज ऑफ डेरिवेटिव्स। भाई डेरिवेटिव्स तो हमारी जिंदगी में अभी आए हैं, उससे पहले भी हम किसी फंक्शन की मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू निकालने में थोड़ा सा तो दिमाग लगाएं भी कैसे निकलनी चाहिए, ठीक है। अभी डेरिवेटिव से ही बता देता हूँ ये कैसे होगा। सो मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स इज 3+3 एट, अब वो कौन से वैल्यू पे कौन से पॉइंट पे आई, वो आई जब x की वैल्यू 1/3। हालांकि उसने पूछा नहीं है कि पॉइंट ऑफ, देखो ये तो है मिनिमम वैल्यू और ये है पॉइंट ऑफ मिनिमा, तो उसने तो मिनिमम वैल्यू पूछी है, पॉइंट ऑफ मिनिमा नहीं पूछा, लेकिन फिर भी मैंने निकाल दिया ये चेक करने के लिए कि पॉइंट ऑफ मिनिमा रियल तो है ना, बिकॉज अगर पॉइंट ऑफ मिनिमा रियल नहीं होता तो ये भी इसकी मिनिमम वैल्यू नहीं मानी जाती, ठीक है। और जब फिर मैंने चेक कर ही लिया तो फिर मैं लिख भी देता हूँ कि एट एक्स इक्वल्स टू 1/2। अब सपोज करो, अच्छा इसकी मैक्सिमम वैल्यू नहीं है, ये हम पहले बात कर चुके हैं, ऑल्सो देयर इज नो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स, मैक्सिमम वैल्यू तो इसकी हम पता नहीं कर सकते है ना, मतलब पॉजिटिव इन्फिनिटी पता क्या नहीं कर सकते, इन्फिनिटी तक जाएगी वैल्यू। हाँ अब आप कहो कि सर इसको डेरिवेटिव से करो, क्रिटिकल पॉइंट्स निकालो, तो निकालो फिर, सपोज करो वहीं पर कर देते हैं 2x-1 का होल स्क्वायर, बोलो एफ डैश एक्स क्या आएगा, बोलो 2 × 2x-1 यही आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो चलो इसी फॉर्म में रहने दो, सॉल्व मत करो, इसको क्या करते हैं 0 को इक्वेट कर देते हैं, 0 को इक्वेट करेंगे तो एक्स की वैल्यू क्या आई, बोलो एक्स की वैल्यू आ गई 1/2। अब एक्स की वैल्यू 1/2 क्रिटिकल पॉइंट है, ये या तो पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा है या पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है, ये चीज फिक्स है। अब वो मिनिमा है या मैक्सिमा है ये चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके लेफ्ट से इसके राइट में जाएंगे, इसके लेफ्ट से राइट में देखेंगे वैल्यू कैसे चेंज हो रही है। इसके लेफ्ट में सपोज करो एक नंबर सोच लिया 0, इसके राइट में एक नंबर सोच लिया 1। अब 0 पुट करो और 1 पुट करो किसके अंदर, एफ डैश एक्स के अंदर, तो एफ डैश एक्स क्या है 2 × 2x-1, 0 पुट अप करेंगे तो ये बन जाएगा 0 पुट अप करेंगे तो 0 − 1 − 2 यानी नेगेटिव बनेगा, और 1 पुट अप करेंगे तो 1 − 2 − 1 = 2 पॉजिटिव बनेगा। दैट मींस एफ डैश एक्स की वैल्यू नेगेटिव टू पॉजिटिव हो रही है। नेगेटिव टू पॉजिटिव मींस नेगेटिव में फंक्शन डिक्रीज हो रहा था, फिर पॉजिटिव में फंक्शन इंक्रीज हो गया, तो मिनिमा छू के आया है। देयरफॉर एक्स इक्वल्स टू 1/2 क्या है, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा है, और इससे मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए ये 1/2 की वैल्यू मैं इधर पुट अप कर दूंगा, तो 2 × 1/2 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1 − 1 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, 0 का होल स्क्वायर 0 + 3, तो यहाँ से इसकी मिनिमम वैल्यू 3 निकल के आई। हमने जो कॉमन सेंस से निकाला उससे सीधे ही मिनिमम वैल्यू निकल रही है, और अभी डेरिवेटिव से निकाला तो उससे पहले पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा मिला और उसको फिर फंक्शन में पुट अप करने से मिनिमम वैल्यू मिली। तो अभी क्लियर है, विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव्स भी मैंने बता दिया एंड विदाउट द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव्स भी मैंने बता दिया। हालांकि सारे क्वेश्चंस को विदाउट द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव्स नहीं किया जा सकता, डेरिवेटिव्स को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, बजाय कि थोड़े से शुरू के थोड़े से क्वेश्चंस छोड़ दें अगर हम, तो फिर बाकी तो हमको डेरिवेटिव से ही करने हैं। बताइए कोई डाउट सर, यहाँ पे जो 3 है वो एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू भी हो सकती है ना? हाँ बिल्कुल, बिकॉज देखो क्रिटिकल पॉइंट एक निकला है, क्रिटिकल पॉइंट क्या निकला है, एक ही निकला है, तो क्रिटिकल पॉइंट एक ही निकला है तो एक ही मिनिमम वैल्यू है, और एक ही मिनिमम वैल्यू है दैट मींस वो सबसे छोटी वैल्यू है, तो कह सकते हो कि आप इसको ये एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू है, बिल्कुल कह सकते हो, ठीक है। एनी अदर क्वेरी? एक्सक्यूज मी सर, बोलो मनीष सर। सर यहाँ 2x-1 का सर डेरिवेटिव भी तो होगा, 2x-1 का डेरिवेटिव भी होगा, तो किया ना 2x-1 का डेरिवेटिव, नहीं किया हमने, 4 आ जाएगा ना सर,
हाँ सॉरी ये किया नहीं हमने, इसको फोर करो, फोर फर्क तो नहीं होगा, हालांकि फर्क नहीं पड़ेगा, हाँ दैट इज क्लियर कि वो फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 2x माइनस 1 का डेरिवेटिव 2 होगा तो 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, फर्क नहीं पड़ा, क्रिटिकल पॉइंट वही निकला, बट यू आर राइट कि वो डेरिवेटिव होगा बिल्कुल। हाँ एनी अदर क्वेरी? नो, ठीक है चलें आगे, बोलो। यस सर। ठीक है तो शुरू के ये पहला पूरा पार्ट और सेकंड पूरा पार्ट में अब मैं डेरिवेटिव्स यूज नहीं करूंगा, मैंने आपको बता दिया कि डेरिवेटिव यूज कर रहे हैं तो भी वो आ रहा है, वो भी तो भी वो आ रहा है, फिर हम क्वेश्चन नंबर थर्ड से जब उसने वर्ड लोकल या एब्सोल्यूट लगाने शुरू किए तब से फिर अपन क्या करेंगे डेरिवेटिव्स यूज करेंगे। सेकंड पार्ट देखो fx इक्वल्स टू, अब आप लगाना, अब आप लगाओगे दिमाग, सेकंड पार्ट इज fx इक्वल्स टू 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 2, 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 2, राइट। अब मैं क्या करूंगा इस फंक्शन को विदाउट द यूज ऑफ डेरिवेटिव, मैं क्या करता हूँ उसको एनालाइज करता हूँ कि यार ये किस टाइप का फंक्शन है। देखो 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 2, इसको फैक्टराइज कर सकते हो क्या? देखो दो ऐसे नंबर सोचिए जिनका प्रोडक्ट आता हो 18, सम आता हो 12, है क्या ऐसे कोई दो नंबर्स? नहीं है, बोलो प्रोडक्ट 18 को फैक्टराइज करो, 18 को फैक्टराइज करोगे तो 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 3 या 6 3 जाएगी, अब इसके कॉम्बिनेशन से 12 बन सकता है क्या? 2 इंटू 3 6, 6 और 3 9 होते हैं, नहीं बना, 3 3 या 9 9 और 2 11 नहीं बना, तो हम डायरेक्टली नहीं निकाल पा रहे हैं, कोई बात नहीं तो हम इसको थोड़ा सा परफेक्ट स्क्वायर में चेंज करते हैं। अब ये टेक्निक हमने क्लास 10th में सीखी थी भी किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल को परफेक्ट स्क्वायर वाले पॉलीनोमियल में कैसे चेंज करते हैं, तो 9x स्क्वायर को आप इजीली लिख सकते हो 3x का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस अब ये हो गया a स्क्वायर, a स्क्वायर के बाद 2ab होता है तो 2 into a तो यही रहेगा 3x, अब ऐसा कोई b सोचो ताकि इसका प्रोडक्ट 12x हो जाए, तो 2 3 जा 6x तो ऑलरेडी हो चुका है, into 2 और कर दूं तो 12x हो जाएगा, ठीक है, प्लस अब b का भी स्क्वायर, b की वैल्यू 2 आई है तो 2 का भी स्क्वायर करो, अब 2 का स्क्वायर एक बार जबरदस्ती ऐड किया तो एक बार जबरदस्ती लेस भी करो और फिर लास्ट में प्लस 2 लिखा हुआ है। देखो ध्यान से क्या किया मैंने, मैंने इसको कंपेयर किया ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है ना, तो ए स्क्वायर से कंपेयर किया तो 9x का होल स्क्वायर तो बन गया 3x स्क्वायर, वहां से a की वैल्यू आ गई 3x, फिर प्लस 2ab करना है तो 2a, a की वैल्यू 3x लिखी दी थी, इंटू बी भी करना है, बी ऐसा कुछ सोचना है ताकि इनका प्रोडक्ट क्या आ जाए 12x आ जाए, तो बी मेरे को 2 रखना पड़ा, तभी तो 2 इंटू 3x इंटू 2 क्या हो गया 2 3 6 2 12x हो गया, अब a स्क्वायर हो गया 2ab हो गया, b का स्क्वायर करेंगे, b की वैल्यू हमने 2 मानी है तो 2 का स्क्वायर ऐड करेंगे, बट 2 का स्क्वायर 4 होता है, वहां पे 2 है, तो यानी कि ये चीज एक्स्ट्रा ऐड हुई है, तो एक्स्ट्रा ऐड हुई है तो एक बार वापस लेस किया मैंने और फिर लास्ट वाला प्लस 2 एज इट इज लिख दिया। आप इसको फिर से सॉल्व करोगे पूरा तो ऐसी की ऐसी ये चीज आएगी, चाहे ऐसा करके देख लो, 3x का होल स्क्वायर 9x स्क्वायर, ये प्रोडक्ट 12x आ ही रहा है, ये 2 यहां पे रखा हुआ है ही सही, और 2 का स्क्वायर जोड़ा है और घटाया है तो इफेक्ट नहीं लोगे, यहां तक कोई डाउट? गिवन पॉलीनोमियल को बस एक दूसरी फॉर्म दे दी मैंने, बोलो यहां तक कोई डाउट? नो सर। ठीक है तो अब हम क्या करेंगे, शुरू के तीन टर्म्स को तो आइडेंटिटी में पैक करके, और क्या है ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर है तो ये क्या होता है a प्लस b का होल स्क्वायर, दैट इज 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर, फिर आगे माइनस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2, तो ये बन चुका है 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2। अब आप देखो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की शक्ल का ही दिखाई दे रहा है आपको, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट भी कुछ इसी शक्ल का था, इसको मैंने इस फॉर्म में चेंज कर दिया, आप जैसे करके देख लो इसको सॉल्व, वापस आपको यही मिलेगा, ठीक है? ठीक है बच्चों, अब आप एनालाइज करो उसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू, तो जैसे पहले वाले क्वेश्चन में किया, वी नो दैट 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू जो होगी
यानी ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा, और फिर इसमें माइनस टू है तो मैं इधर भी माइनस टू कर देता हूँ, उधर भी माइनस टू कर देता हूँ, थ्री एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर माइनस टू, तो ग्रेटर देन इक्वल टू के उधर भी क्या हो जाएगा, जीरो माइनस टू। अब ये तो बन गया मेरा एग्जैक्टली एफ एक्स, तो बन गया मेरा एग्जैक्टली एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू आ गया माइनस टू। ठीक है, अब मिनिमम वैल्यू माइनस टू आ गई क्योंकि एफ एक्स की वैल्यू माइनस टू है या उससे बड़ी है, तो मिनिमम वैल्यू माइनस टू आ गई। बट एक बार वापस हमको चेक करना पड़ेगा कि ये जो माइनस टू वैल्यू है वो ऐसे एक्स पे तो आ रही है ना जो रियल है, उसके लिए क्या करेंगे, 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर को जीरो पुट करके देखते हैं। तो वहां से 3x प्लस 2 भी जीरो आ गया और x की वैल्यू जो हो गई वो हो गई माइनस 2 बाय 3 विच इज रियल, माइनस 2 बाय 3 इज रियल वैल्यू। तो मैं कह सकता हूं कि एफ एक्स द मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स एंड वी कैन से दैट द मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स इज, पहले तो एफ एक्स की मिनिमम वैल्यू है क्या, माइनस टू, और वो कौन से पॉइंट पे अटेन हो रही है, एक्स इक्वल्स टू माइनस टू बाय थ्री पे वो अटेन। हालांकि क्वेश्चन में केवल यही चीज पूछी है लेकिन मैंने पॉइंट भी बता दिया है, ये चेक करने के लिए बताया कि वो रियल तो है ना, बिकॉज अगर वो रियल नहीं होता तो फिर ये मिनिमम वैल्यू भी रियल नहीं होती, मतलब मानी नहीं जाती कि इसकी मिनिमम वैल्यू है, फिर हम यही कहते हैं कि मिनिमम वैल्यू भी यहाँ पे नहीं पता या नहीं पता कर की जा सकती है, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, है ना। अच्छा, मिनिमम वैल्यू ये हो गया, और मैक्सिमम वैल्यू पे हम कमेंट नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे मैं 3x प्लस 2 के होल स्क्वायर में x की जितनी से जितनी बड़ी वैल्यू पुटअप करता जाऊं उतनी बड़ी से बड़ी वैल्यू यहाँ पे आती चली जाएगी। मैं क्या लिखूंगा, ऑल्सो एफ एक्स डज नॉट हैव ए मैक्सिमम वैल्यू, या फिर यूं भी लिख सकते हो कि मैक्सिमम वैल्यू इज इन्फिनिटी, पॉजिटिव इन्फिनिटी। क्लियर है, समझ आया, विथाउट द यूज ऑफ डेरिवेटिव्स भी कुछ फंक्शंस का हम मिनिमम मैक्सिमम पे चर्चा कर सकते हैं, इस तरीके से उन फंक्शंस को एनालाइज कर। बोलिए यहां तक कोई डाउट, चले नेक्स्ट पार्ट में। Yes, sir. नोट डाउन कर लिया सबने, कर दें डिलीट। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखो, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं, क्या है, एफ एक्स इक्वल्स टू माइनस ऑफ एक्स माइनस, सॉरी माइनस बाहर है, माइनस ऑफ एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस है। ठीक है, लिख लिया क्वेश्चन, बोलो क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया? यस सर, यस सर। ठीक है, चलो देखो, अब सबसे पहले हम x माइनस वन के होल स्क्वायर की बात करते हैं, तो x माइनस वन का होल स्क्वायर हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा या फिर इक्वल टू जीरो होगा, वी नो दैट। यस, वी नो दैट x माइनस वन का जो होल स्क्वायर है द वैल्यू ऑफ दिस विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, ये हमको पता है। अब इसको उस शक्ल का बनाना है,
तो उसमें क्या क्या चीज है जो अभी इसमें नहीं है? सबसे पहले तो एक माइनस लगना है, फिर प्लस 10 लगना है। चलो प्लस 10 बाद में लगेंगे, क्योंकि पहले हम हमेशा मल्टीप्लाई करेंगे अगर किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। एक तरीके से माइनस 1 से वो मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो माइनस 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है या माइनस लगा रहे हैं, कैसे भी समझ लो। तो कुल मिला के बेटा जब हम इस पे माइनस लगाएंगे, माइनस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो उधर जीरो पे भी माइनस लगेगा, उधर जीरो पे माइनस लगेगा, बट जीरो जो है एक न्यूट्रल नंबर है, उस पर प्लस या माइनस काम नहीं करता, तो वो जीरो का जीरो ही रह जाएगा। लेकिन एक चेंजेस हो जाएगा, पता है क्या? ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन विल बी चेंज टू लेस देन इक्वल टू का साइन। यस और नो? इनइक्वालिटी सीखी थी हमने लास्ट क्लास में, माइनस वन से बोथ साइड्स को मल्टीप्लाई करते हैं या माइनस के किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो इनइक्वालिटी गेट्स चेंज। इसका क्लासिक एग्जाम्पल कई बार मैं आपको बताता हूँ। सपोज करो 5 is greater than 4 है, 5 is greater than 4 है, कल को मैं माइनस 5 और माइनस 4 कर दूं तो ये तो इनइक्वालिटी गलत हो गई ना। माइनस 5 तो माइनस 4 से बड़ा नहीं है ना, तो आपको इनइक्वालिटी चेंज करनी पड़ेगी। माइनस 5 जो है माइनस 4 से छोटा होगा, ठीक है? तो माइनस साइन लगाते इनइक्वालिटी गेट्स रिवर्स्ड, ग्रेटर देन बिकम्स लेस देन, लेस देन बिकम्स ग्रेटर। अब क्या बचा? अब केवल एक प्लस 10 करना बचा, एडिंग 10 ऑन बोथ साइड्स, वी विल गेट माइनस ऑफ एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 10 लेस देन इक्वल टू द 0 प्लस 10। तो ये तो हो चुका है fx वाली फॉर्म, इट इज लेस देन इक्वल टू 10। तो अब की बार लेस देन इक्वल टू 10 आया बच्चे, तो लेस देन इक्वल टू 10 आया है, दैट मींस ये इसकी 10 जो है मैक्सिमम वैल्यू है या मिनिमम वैल्यू है? बोलो, fx की वैल्यू 10 है या 10 से छोटी है? मैक्सिमम। तो ये 10 इसकी मैक्सिमम वैल्यू है क्योंकि लेस देन इक्वल टू आया। बट अगेन मैं चेक करूंगा कि ये रियल पॉइंट पे तो आएगी ना। नाउ इफ वी पुट, उसको चेक करने के लिए मैं क्या करता हूँ, होल स्क्वायर के अंदर वाली चीज क्या थी? x माइनस 1 का होल स्क्वायर, x माइनस 1 के होल स्क्वायर को मैं जीरो पुट अप करता हूँ। इफ वी पुट x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो, तो वहां से x माइनस 1 भी जीरो आता है और वहां से x की वैल्यू 1 आता है, एंड x की वैल्यू 1 विच इज रियल। तो x की अगर 1 वैल्यू रखोगे तो इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू अटेन होगी, सबसे बड़ी, उससे बड़ी वैल्यू नहीं हो सकती। कब अटेन होगी वो? x इक्वल्स टू 1, ठीक है? और कोई वैल्यू रखोगे तो फिर 10 से छोटी होगी, 10 से बड़ी नहीं होगी। हेंस वी कैन से दैट द मैक्सिमम वैल्यू। सर यहाँ पे पूरे fx को 0 से इक्वेट क्यों नहीं करते? fx को 0 से इक्वेट क्यों नहीं करते? fx को 0 से क्यों इक्वेट करें बेटा, वो भी बताओ क्यों इक्वेट करें fx को 0 से? f'x को 0 से क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए तो f'x को करते थे, लेकिन अभी तो क्रिटिकल वाले तरीके में हम जा ही नहीं रहे ना। देखो हमने क्या लिखा कि x माइनस 1 का जो होल स्क्वायर है उसको एनालाइज किया और वो हमेशा 0 या 0 से बड़ा होता है। इस पूरे फंक्शन में एक पार्ट उठा लिया हमने, ये पार्ट 0 या 0 से बड़ा है। अब ये पार्ट 0 या 0 से बड़ा है तो एक बार मैंने इसको 0 रख के देखा नीचे पॉइंट निकालने के लिए, इसको जीरो रख के देखा, उससे एक्स रियल आ रहा है, दैट मींस मैं इस वाली वैल्यू को जीरो या जीरो से बड़ा रख सकता हूं। अभी तो मैंने एक बार रख दिया, बट रख भी सकता हूं क्या? वो चेक करने के लिए मैंने इसको इक्वेट किया जीरो से, वहां से एक्स एक रियल निकल के आया, दैट मींस मैं रख सकता हूं, ठीक है? ओके सर। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ fx is 10 at x equals to 1. अच्छा पीछे से प्लीज आंसर मैच करते चाहिएगा, आज कोई भी बच्चा ऑफलाइन है नहीं, तो आई डोंट नो वेदर दीज आंसर्स आर गोइंग टू बी करेक्ट और नॉट। वैसे तो आप बता देते हो पर अभी कोई बता नहीं रहा, चेक करते जाइएगा, अगर गलत हो तो बता दीजिए। चलें लास्ट पार्ट पे, बोलो, देखने इजी होगा तो होमवर्क मार्क करते हैं। इतना नोट डाउन कर लिया सबने? यस सर। फंक्शन की मिनिमम वैल्यू ये वो तो लिखो, क्योंकि मिनिमम वैल्यू आप एक्स कुछ भी पुट अप करते जाएंगे उससे मिनिमम, उससे मिनिमम, उससे छोटी वैल्यू आती चली जाएगी। फॉर एग्जांपल
देखो एग्जांपल देता हूँ, सपोज करो मैंने x को 10 पुट अप किया, 10 माइनस 1 यानी 9, 9 का स्क्वायर यानी 81, माइनस 81, माइनस 81 प्लस 10, माइनस 81 प्लस 10 हो गया आपका माइनस 71, तो छोटी वैल्यू आई। अच्छा आप x की बड़ी वैल्यू रखो, जितनी x की बड़ी वैल्यू रखोगे उतनी fx की मिनिमम वैल्यू आती जाएगी, तो आप x की वैल्यू रखो साहब 100, तो 100 माइनस 1 99 का स्क्वायर अभी करके बताया था 9801, फिर माइनस भी लगेगा तो माइनस 9801, माइनस 9801 प्लस 10 करोगे इट विल बी माइनस 9801 है ना, 9791, इस तरह की कोई वैल्यू आएगी। तो देखो 10 से ही आया, 100 से आया, और 1000 रख लो और छोटी वैल्यू आएगी, तो छोटी से छोटी वैल्यू इसकी आती चली जाएगी, तो इसकी मैं छोटी वैल्यू नहीं पता कर सकता, माइनस इन्फिनिटी एक्चुअली, ठीक है ना। हेयर द मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स डज नॉट एक्जिस्ट, एफ एक्स डज नॉट एक्जिस्ट भी लिख सकते हो, या फिर कैन नॉट बी डिटरमाइंड भी लिख सकते हो, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो कि ये माइनस इंफिनिटी है, कैसे भी लिख सकते हो, ठीक है। चलें लास्ट पार्ट पे, अब कर दें डिलीट। यस सर। ओके लास्ट पार्ट इज एक्स क्यूब प्लस वन, जी एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस वन, जी एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस वन, ठीक है। अब मुझे एक चीज बताओ, एक्स क्यूब को अगर मैं एनालाइज करूं तो एक्स क्यूब की कोई भी छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी वैल्यू हो सकती है क्या, निकाल सकते हो क्या भाई, एक्स क्यूब की सबसे छोटी वैल्यू क्या है, ऐसे निकाल सकते हो, बोलो। नो सर। बड़ी से बड़ी निकाल सकते हो, बोलो। नो सर। छोटी से छोटी भी निकाल सकते हैं और बड़ी से बड़ी भी नहीं निकाल सकते। एक्स क्यूब का ग्राफ आपको ये मिनिमम मैक्सिमम पढ़ाते टाइम कई बार आया है, कुछ इस तरीके का होता है, तो ये पॉजिटिव साइड मतलब ज्यादा से ज्यादा भी ये पॉजिटिव, देखो तो एक्स क्यूब की मिनिमम से मिनिमम वैल्यू भी नहीं पता कर सकते, माइनस इन्फिनिटी को टेंड करती है और ये पॉजिटिव इन्फिनिटी को टेंड करती है, ठीक है। तो ना तो इसकी मिनिमम वैल्यू पता की जा सकती है और ना इसकी, अगर इसके डोमेन को तोड़ के अलग कर दें, क्लोज इंटरवल में अगर इसका डोमेन डिफाइन हो जाए, फॉर एग्जांपल अगर इसका डोमेन में डिफाइन कर दूं यहां से लेके यहां, क्लोज इंटरवल मान लो मैंने डिफाइन कर दिया माइनस 3 से प्लस 4 या कुछ भी, तब आप इसकी मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हो क्लोज इंटरवल के अंदर। बट इफ वी आर नॉट डिफाइनिंग द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इन ए क्लोज इंटरवल, देन वी कैन नॉट फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जी एक्स। कैसे खत्म करेंगे इसको हम, दो लाइनें लिख के खत्म करेंगे। हेयर हेयर वी नो दैट कि एक्स क्यूब की मिनिमम वैल्यू माइनस इंफिनिटी होती है और मैक्सिमम वैल्यू प्लस इंफिनिटी होती है। इस तरीके से लिखेंगे कि एक्स क्यूब की मिनिमम वैल्यू माइनस इन्फिनिटी होती है और मैक्सिमम वैल्यू प्लस इन्फिनिटी होती है। अब अगर एक्स क्यूब प्लस वन करना है, दैट मीन्स माइनस इन्फिनिटी प्लस वन करना है, एक्स क्यूब प्लस वन करना है और उधर इन्फिनिटी प्लस वन करना है, तो इन्फिनिटी में प्लस वन करोगे तो क्या फर्क पड़ेगा, इन्फिनिटी है वो, तो माइनस इन्फिनिटी का माइनस इन्फिनिटी लिखोगे। एक्स क्यूब प्लस वन को आप जी ऑफ एक्स लिख ही सकते हो, एफ एक्स नहीं आपकी बार जी ऑफ एक्स है ना, और इन्फिनिटी में एक और जोड़ दोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा पॉजिटिव। तो जी ऑफ एक्स की मिनिमम वैल्यू माइनस इन्फिनिटी और मैक्सिमम वैल्यू प्लस इन्फिनिटी, तो हेंस वी कैन से दैट, हेंस द मिनिमम और द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जी एक्स डज नॉट एक्सिस्ट, do not exist। पीछे मैच करो, मिनिमम मैक्सिमम दोनों ही नहीं होनी चाहिए, अगर है तो बताओ।
यस सर सही है आंसर सही है ना देयर इज नो मिनिमम वैल्यू और द मैक्सिमम ठीक है तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया अभी तक डेरिवेटिव्स का एप्लीकेशन नहीं हुआ है बोलो सर अगर जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आ जाते हैं तो उसमें कैसे करते हैं अभी आएंगे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में आएंगे जितना कर सकते हैं बेटा करेंगे जब हार जाएंगे नहीं कर पाएंगे तो फिर डेरिवेटिव्स तो है ही ठीक है फिर डेरिवेटिव्स पे आएंगे ना अभी सपोज करो इस क्वेश्चन को मैं डेरिवेटिव्स की मदद से करता तो जी डैश एक्स क्या आता 3x स्क्वायर जी डैश एक्स क्या आता बताओ 3x अब 3x स्क्वायर को आप इक्वल टू 0 रखते तो x क्या आता 0 x क्या आता बेटा 0 अब 0 के नेगेटिव में लेफ्ट साइड में कोई नंबर बताओ सपोज करो मैंने बताया माइनस फिर राइट साइड में नंबर बताओ मैंने बताया प्लस 1 अब आप देखिए माइनस 1 पुट अप करना जी डैश एक्स में तो माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 इंटू 3 पॉजिटिव और प्लस 1 पुट अप करोगे तो भी 1 का स्क्वायर 1 इंटू 3 पॉजिटिव तो एफ डैश एक्स का साइन या डेरिवेटिव का साइन नहीं बदल रहा है पॉजिटिव कल भी इंक्रीजिंग था और आज भी इंक्रीजिंग और हम सब जानते हैं ये क्यूबिक फंक्शन इंक्रीजिंग होता है कल भी इंक्रीजिंग था जीरो के लेफ्ट में भी इंक्रीजिंग था जीरो के राइट में भी इंक्रीजिंग है जीरो पे घुमाव जरूर हुआ है पर इंक्रीजिंग से इंक्रीजिंग हुआ है दैट मींस क्या डिसीजन पे आ सकते हो एक्स इक्वल्स टू जीरो इज द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन यहाँ पे केवल और केवल फंक्शन घूमता है लेकिन चेंज नहीं होता है इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग नहीं होता इन्फ्लेक्शन हालांकि इतने डिटेल में उसने पूछा नहीं था ना कुल मिला के मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू तो नहीं निकलेगी क्योंकि पॉइंट ऑफ मैक्सिमम पॉइंट ऑफ मिनिमम ही नहीं निकला क्लियर है यस सर ठीक है जी चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में क्वेश्चन नंबर सेकंड कोशिश करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड के भी सारे पार्ट्स को हम विदाउट द यूज ऑफ डेरिवेटिव्स करें और जहां पे अपने को लगेगा कि नहीं डेरिवेटिव्स करना चाहिए तो फिर अपन देखेंगे ना पहला क्वेश्चन है fx equals to modulus of x plus 2 minus 1 नोट ऑन करो इसमें भी कोई मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पूछिए आपसे मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस टू माइनस वन है ना माइनस अब जैसे उसमें किसी चीज का स्क्वायर हो रहा था किसी चीज का क्यूब हो रहा था इसमें इस चीज का मॉडुलस हो रहा और बेटा मॉडुलस फंक्शन है ये तो मॉडुलस फंक्शन है तो आप इसको विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव्स तो चाह के भी नहीं कर सकते बिकॉज मॉडुलस फंक्शन हर एक पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं होता है एक पॉइंट पे वो नॉन डिफरेंशिएबल होता है जहां पे वो शार्प एज लेता है यस और नो बताओ यहां पे कहां पे शार्प एज लेगा वो x की वैल्यू माइनस टू पे लेगा क्योंकि x प्लस टू को जीरो के इक्वेट करोगे तो x की वैल्यू माइनस टू आएगी तो वो मतलब फंक्शन जो है ये माइनस टू वाले पॉइंट पे शार्प एज ले रहा हो तो इट इज नॉट एवरीवेल डिफरेंशिएबल इट इज नॉट डिफरेंशिएबल एट माइनस टू तो आप विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव्स तो कर भी नहीं पाओगे इसको इसको तो अगर ये एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए और कह भी दे विद हेल्प ऑफ डेरिवेटिव्स तो यू कैन नॉट डू विद हेल्प ऑफ डेरिवेटिव्स बिकॉज द ओनली वे यू कैन फाइंड आउट द मिनिमम एंड और द मैक्सिमम वैल्यू इज थ्रू योर कॉमन सेंस विदाउट द यूज ऑफ कॉमन सेंस आप नहीं पता कर सकते आ जाओ ठीक है एक्स प्लस टू मॉडुलस ऑफ बैठ जाओ मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस टू माइनस वन ठीक है हाँ मुझे बताओ मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ कुछ ऐसा था भाई अगर y इज इक्वल टू मॉडुलस x है तो ग्राफ कुछ ऐसा था तो यू कैन क्लियरली सी कि मॉडुलस x की वैल्यू भी x स्क्वायर की वैल्यू की तरह कभी नेगेटिव नहीं हो सकती यस और नो बोलो नहीं हो सकती ना यस सर बस यस सर वैसे चलेंगे जैसे पहले चले थे अपन है ना वी नो दैट कि मॉडुलस ऑफ x प्लस टू इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो तो फिर इसमें क्या करूंगा मॉडुलस ऑफ x प्लस टू में माइनस वन करूंगा तो उधर भी क्या हो जाएगा जीरो माइनस वन हो जाएगा इट गिव्स मी एफ एक्स एंड इट गिव्स मी ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस वन अब वापस वो चेक करेंगे ऑल्सो इफ यू पुट क्यों रियल तो है ना इफ यू पुट मॉडुलस ऑफ x प्लस टू इक्वल टू जीरो तो मुझे बताओ x प्लस टू के मॉडुलस की वैल्यू जीरो है तो x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है हुँ?
बोलिए। अगर माइनस टू, माइनस टू ऑब्वियसली आप x की वैल्यू माइनस टू रखोगे तभी तो x प्लस टू के मॉडुलस की वैल्यू जीरो आएगी। और कुछ से आ सकती है क्या? जीरो, सोचो जीरो बनाने के लिए और तो कुछ नहीं चलेगा ना यहाँ पे, बोलो सर। नो, तो इम्प्लाइज यहां से आप कह सकते हो कि x की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस टू विच इज रियल, विच इज रियल, हेंस द मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स द मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स इज क्या आई थी मिनिमम वैल्यू, ऊपर देखना, माइनस वन आई थी और वो मिनिमम वैल्यू नाना, और वो कहाँ पे अटेन हुई थी, x इक्वल्स टू माइनस टू पे अटेन हुई। मैच करो पीछे आंसर, ऑल्सो देर इज नो मैक्सिमम वैल्यू। देर इज नो सही है सर वैल्यू ऑफ एफ एक्स। तो बेटा जो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, जो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है उसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू भी नहीं होगी, ऐसा मैंने कभी नहीं कहा। तो देखिए जैसे कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं था तो कुछ दूसरे तरीके सोचे मैंने उसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालने के, ठीक है ना बेटा। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है, बट जहां पे अप्लाई नहीं हो पा रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि जो हमारा पर्पस है वो फुलफिल नहीं हो सकता, दूसरे तरीके भी हैं। अब अपन किस हद तक सोच सकते हैं बस बात हुआ, अभी तक तो एक भी क्वेश्चन में डेरिवेटिव अप्लाई हुआ नहीं, हमने करने की कोशिश नहीं की, ठीक है। यहां तक क्लियर है सभी को? सर एक बार स्क्रॉल अप, अनिष्का यू आर एब्सेंट लास्ट वन और टू डेज आई गेस, राइट सर। तो फिर समझ में आया, वीडियो देखा था, एज इट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ चैप्टर, देखा था? नो सर। तो फिर कैसे समझ में आएगा, अभी तक आपकी किस्मत अच्छी है कि हमने डेरिवेटिव अप्लाई करके कुछ किया ही नहीं है, इसलिए अभी तक वो समझ आ रहा होगा। बट क्वेश्चन नंबर थर्ड से तो डेरिवेटिव अप्लाई करके हम मैक्सिमा मिनिमा निकालेंगे। तो आपके स्कूल्स भी अब शुरू हो गए होंगे शायद, ऑफलाइन या ऑनलाइन, कैसे? सर 16th से स्टार्ट होंगे। कब से? 16th से? यस सर। अच्छा, अभी तो फिर एब्सेंट मत हो, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। यस सर। और आज संडे है, टाइम भी होगा, कोशिश करना पुरानी वीडियो देखने का, मतलब इंट्रोडक्टरी पार्ट देखने का इस एक्सरसाइज की, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सेकंड पार्ट इज मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस वन प्लस थ्री, ये होमवर्क मार्क करो, कर लोगे अपने आप, देखो कैसे करोगे। माइनस ऑफ मॉडुलस एक्स प्लस वन, तो यहीं पे रफली कर देता हूँ, एक्स प्लस वन के मॉडुलस की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, फिर इस पे माइनस भी लगना है ऐसा, तो माइनस लग जाएगा तो लेस देन इक्वल टू जीरो करना पड़ेगा, क्योंकि माइनस जीरो पे लगेगा उससे तो वो जीरो ही रहेगा, लेकिन इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। फिर प्लस थ्री भी करना पड़ेगा, प्लस थ्री यहां करेंगे तो वहां भी करना पड़ेगा, आ जाओ। तो ये हो जाता है, ये तो हो गया मेरा जी ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू थ्री। तो इस अब की बार मैक्सिमम वैल्यू आ रही है थ्री, है ना, और कहां पे आएगी, इसको जीरो पुट अप करोगे तो एक्स की वैल्यू माइनस वन, x की वैल्यू माइनस वन पे मैक्सिमम वैल्यू थ्री आएगी और देर इज नो मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। क्लियर है, कर लोगे फेयर में, बोलो बोलो जल्दी से। यस सर। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखो, अब थर्ड देखो प्रियांशी, आपकी मनोकामना पूरी हो गई, आ गए हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को भी क्या हम विदाउट द यूज ऑफ डेरिवेटिव थोड़ा सा उनको छू सकते हैं क्या, कोशिश करेंगे, नहीं तो फिर डेरिवेटिव तो आएंगे। एच एक्स इज इक्वल्स टू साइन ऑफ टू एक्स प्लस फाइव, क्वेश्चन इज नंबर थर्ड,
hx equals to sine of 2x plus 5। ठीक है जी, अब मुझे बताओ साइन फंक्शन की रेंज क्या होती है, उसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कहाँ पे अटेन होती है? 1, 2, -1। वेरी गुड। तो साइन किसी पे भी लगाओ, x पे लगाओ, 2x पे लगाओ, 3x पे लगाओ, जिस भी डोमेन पे लगाओ, डोमेन तो उसकी इनफाइनाइट है, कोई भी रियल नंबर है, किसी पे भी लगाओ, लेकिन रेंज तो वही रहेगी माइनस वन से वन। तो हम क्या ये कह सकते हैं कि वी नो दैट साइन 2x, वेरीज फ्रॉम माइनस वन टू वन, यानी इसकी मिनिमम वैल्यू माइनस वन एंड मैक्सिमम वैल्यू वन, कह सकते हैं हम? बोलो, ये बात कह सकते हो आप? Yes, sir. तो प्लस फाइव करें, तो इधर भी करना पड़ेगा माइनस वन प्लस फाइव, और उधर भी करना पड़ेगा प्लस फाइव, और थर्ड पार्ट में भी करना पड़ेगा प्लस फाइव। तो सॉल्व करो, तो माइनस वन प्लस फाइव क्या होगा, प्लस फोर, ये हो गया आपका एच ऑफ एक्स गिवन फंक्शन, और ये हो गया आपका सिक्स। तो देख लो भैया, एच ऑफ एक्स की आपकी बार मिनिमम वैल्यू भी है और मैक्सिमम वैल्यू भी, मैच करो आंसर। करो मैच, सही है? यस सर। ठीक है, तो क्या लिख दूंगा मैं, हेंस द मिनिमम एंड द मैक्सिमम वैल्यू, हेंस द मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स is what? Four. अच्छा, ये कौन से पॉइंट पे आएगी वो पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, साइन 2x की वैल्यू माइनस वन पुटअप करनी पड़ेगी और वहां से x पता करना पड़ेगा। तो अगर साइन 2x माइनस वन है, अगर साइन 2x माइनस वन है तो 2x क्या होगा बताना जरा, साइन 2x माइनस, साइन की वैल्यू माइनस वन कब आती है, साइन इनवर्स माइनस वन, हाँ नहीं होगा क्या वैल्यू तो बताओ, साइन की वैल्यू माइनस वन, भाई वन तो कब आती है पाई बाय टू पे, माइनस वन कब आती है थ्री पाई बाय टू पे, बोलो साइन इनवर्स माइनस वन थ्री पाई बाय टू तो होगा, थ्री पाई बाय टू, और एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी थ्री पाई बाय फोर, चाहो तो लिख सकते हो एट एक्स इक्वल्स टू थ्री पाई बाय फोर, बट नहीं है इतनी खास कोई जरूरत, आप मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू ही निकालो, बिकॉज थ्री पाई बाय फोर भी फिक्स नहीं है, क्योंकि साइन की वैल्यू माइनस वन भी एक बार नहीं आती, बार बार आती है, और प्लस वन भी बार बार आती है, तो 3 पाई बाय 4 या फिर हम लिखते थे ना ओड मल्टीपल्स ऑफ 3 पाई बाय 2 n into 3 पाई बाय 2, उस फॉर्म में लिखना पड़ेगा अगर आप निकालने बैठो, पर इधर नहीं पूछा है तो हम क्या सिंपली लिख देंगे, मिनिमम वैल्यू 4 है, कहां किस पॉइंट पे इस पे हम टिप्पणी नहीं करेंगे, एंड एंड द मैक्सिमम वैल्यू, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ fx इज क्या, तो आपकी बार मिनिमम एंड मैक्सिमम दोनों मिल गए। चले नेक्स्ट पार्ट पे, मैक्सिमम वैल्यू आएगी पाई बाय फोर, क्योंकि वन चाहिए तो वन आएगा पाई बाय टू पे, और टू से डिवाइड करोगे तो पाई बाय फोर, ये पाई बाय फोर पे मिलेगी, ये थ्री पाई बाय फोर पे मिलेगी, लेकिन और भी वैल्यूज हैं जहां पे ये मिलेगी, और भी वैल्यूज हैं जहां पे ये मिलेगी। क्लियर है यहां तक? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखिए। अब देखो फोर्थ के अंदर साइन 4x प्लस 3 को किसमें पैक किया हुआ है, मॉडुलस में पैक किया हुआ है, साइन 4x प्लस 3। देखिए कैसे इसको सॉल्व करें, मॉडुलस ऑफ साइन 4x प्लस 3, यही है। अब देखिए मॉडुलस की वैल्यू तो हमेशा क्या होगी, जीरो से बड़ी होगी, ये चीज तो फिक्स है। तो क्या मैं ऐसे सिंपली लिख दूं, भैया मॉडुलस है सर, मॉडुलस के अंदर तो कुछ भी हो वैल्यू तो जीरो से बड़ी होगी ना, तो आप कह दो कि मिनिमम वैल्यू जीरो है, जरूरी नहीं है बेटा मिनिमम वैल्यू जीरो हो,
मिनिमम वैल्यू ये जीरो से बड़ी होगी, ये जीरो से बड़ी होगी तो हो सकता है ये टू से भी बड़ी हो या थ्री से भी बड़ी हो या फोर से बड़ी हो, भाई जीरो से बड़ी चाहिए ना, तो जीरो से बड़ी तो ये सारे पॉइंट्स हैं, हो सकता है इसकी मिनिमम वैल्यू यहीं अटेंड कर, जीरो को क्रॉस नहीं करेगी वो एक अलग बात है, भाई इसकी वैल्यू नेगेटिव नहीं होगी वो एक अलग बात है, लेकिन पॉजिटिव तो कुछ भी हो सकती है ना, तो हो सकता है ये जीरो पे ना, जीरो को ना छूके, ये वन को ही छूके या टू को ही छूके या थ्री को छूके, तो हम सिंपली नहीं लिख सकते बिकॉज अंदर एक क्या बैठा है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बैठा है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हम साइन 4x को एनालाइज करेंगे जैसे अभी अपन ने एनालाइज किया, जैसे अभी अपन ने एनालाइज किया साइन फंक्शन को वैसे ही इसको एनालाइज करेंगे। वी नो दैट साइन 4x की वैल्यू, साइन फंक्शन किसी पे भी अप्लाई करो वैल्यू माइनस वन होती है मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू वन होती है। अब प्लस थ्री करो क्योंकि वैसी शक्ल बनानी है आपको, तो ये बन जाता है साइन 4x प्लस थ्री, और इधर भी करना तो ये भी हो जाता है 1 प्लस थ्री, सॉरी प्लस थ्री यहाँ पे भी तो करो माइनस 1 प्लस थ्री, तीनों जगह होगा ना, तो माइनस 1 प्लस थ्री क्या होगा बेटा, 3 माइनस 1 टू, साइन 4x प्लस थ्री और उधर 1 प्लस थ्री फोर। अब मॉडुलस लगाना जरा, तो मॉडुलस तीनों पे लग जाएगा, मॉडुलस टू सर। हाँ सर, ये इनइक्वालिटी की साइन जो मतलब जो साइन 4x है वो लेस देन 1 आना चाहिए ना, क्यों कहां पे, अच्छा उल्टा लिख दिया सर स्टार्टिंग में। हां हां बिल्कुल, सारे साइन ही गलत लिख दिए मतलब है ना, सबको चेंज कर दो ऐसे साइन, अब ठीक है ये कह रहे थे, यस सर ठीक है। अब देखिए तीनों पे मॉडुलस लगा दिया, अब दो का मॉडुलस दो ही होता है, ये आ चुका है साहब fx और ये आ चुका है फोर का मॉडुलस फोर, तो fx की मिनिमम वैल्यू क्या हो गई टू और मैक्सिमम वैल्यू हो गई फोर। देखो हमारे हिसाब से fx की मिनिमम वैल्यू क्या हो रही थी, जीरो हो रही थी, मैंने क्या कहा जीरो मिनिमम वैल्यू है, बिल्कुल सिंपली अगर हम एक मॉडुलस फंक्शन को सोचे तो जीरो मिनिमम वैल्यू है, लेकिन मॉडुलस के अंदर कुछ ऐसी चीज रखी हुई है जिससे वो मिनिमम वैल्यू थोड़ी आगे भी खिसक सकती, पीछे तो नहीं जा सकती क्योंकि किसी भी मॉडुलस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू हमेशा जीरो रहेगी, जीरो से पीछे नहीं खिसकेगी, बट जीरो से आगे जरूर खिसक सकती है, तो आगे खिसक गई, देखो मिनिमम वैल्यू आपकी बात टू आ रही है, ठीक है। और मैक्सिमम वैल्यू भी यहाँ पे अटेनेबल है, मैक्सिमम वैल्यू भी फोर ही आएगी, कुछ भी कर लो, एक्स कितना भी ले लो, एक्स कितना भी ले लो, आप वहां पे मैक्सिमम वैल्यू फोर ही अटेन कर पाओगे, क्यों, क्योंकि बेटा साइन फोर एक्स की मैक्सिमम वैल्यू वन रहेगी तो 1 प्लस 3 4 ही तो अटेंड कर पाओगे, ठीक है। तो हेंस द मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स, मिनिमम एंड द मैक्सिमम एक साथ लिखो चाहे से, एंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स आर 2 एंड 4 रेस्पेक्टिवली। आपका क्वेश्चन हो सकता है, बोलिए कोई डाउट, नो सर। चलते हैं लास्ट पार्ट पे, इसके लास्ट पार्ट इज एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, बट देखो आपको एक्स को क्या कर दिया, एक इंटरवल में पैक कर दिया। अभी बात करते हैं, क्वेश्चन लिखता हूं मैं, एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है ना, वेयर एक्स वेरीज फ्रॉम ओपन इंटरवल माइनस वन कॉमा वन, ठीक है। सपोज करो ये इंटरवल नहीं होती, अब क्या आप इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हो, सोचो। नो सर। नो क्या है ये, आइडेंटिटी फंक्शन जैसा ही तो फंक्शन है, जो वाई इज इक्वल टू एक्स होता है, बस प्लस वन कर दिया, आइडेंटिटी फंक्शन ऐसे चलता है, सॉरी ऐसे चलता है, अब प्लस वन कर दिया तो वन से निकलेगा, जीरो से नहीं निकलेगा, कहाँ से निकलेगा, एम एक्स प्लस सी से आप कंपेयर करोगे, वाई इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, वाई इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करोगे तो स्लोप तो आ गया वन और वाई इंटरसेप्ट आ गया वन, तो ये वाई इज इक्वल्स टू वन से गुजरेगा, बस फर्क इतना है जीरो से ना गुजर के। तो अब आप देखो नेगेटिव भी कितना भी जा रहा है और पॉजिटिव भी कितना भी जा रहा है, जैसे एक्स क्यूब जा रहा था, नेगेटिव भी कितना पॉजिटिव भी कितना,
ठीक है, और वन से गुजरता हुआ जाएगा, तो इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी ही रहेगी। बट अब इन्होंने इंटरवल तोड़ दिया, तो इंटरवल टूटने के बाद क्या अब मैं इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकता हूँ, यस और नो? यस सर। यस सर, प्रियांशी बताओ उसकी मिनिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू बोलो सर। हाँ सर, जीरो। मिनिमम वैल्यू उसकी जीरो। अच्छा, अगर मैं x की जगह माइनस 0.5 पुटअप करूं, अच्छा x की जगह माइनस, आपने मिनिमम वैल्यू जीरो कहां से निकाली, माइनस वन लगा के। x की वैल्यू क्या लगाई आपने? यस सर। बट x तो माइनस वन ले ही नहीं सकते, ओपन इंटरवल है, x तो आप माइनस वन ले ही नहीं सकते, क्यों? ठंडी हवा चल रही है तो यहाँ पे गर्मी लग रही है, बैठो यहाँ पे, क्या रहा है, बस शुरू कर रहे हैं क्लास। हाँ, x इज इक्वल्स टू, हाँ जी सर, इधर से आ जाओ, इधर से नेक्स्ट वाले गेट से, आगे वाले गेट से आ जाओ। अच्छा जी, नमस्कार जी, जानवी बैठो बेटा, अभी क्लास शुरू करते हैं थोड़ी देर, 8:30 बजे, एक बार नहीं तो मैं कॉल करवाता हूँ। हाँ हेयर, हाँ जी, आपने कहा प्रियांशी कि x की वैल्यू, आवाज नहीं प्लीज, डोंट टॉक, आवाज नहीं, अच्छा इसलिए बाहर बैठना था कि बातें कर पाए, आगे बैठो रचित, ओके आगे बैठो। हाँ देखो, आपने कहा प्रियांशी कि x की वैल्यू माइनस वन पुटअप करके इसकी मिनिमम वैल्यू जीरो लाओ, बट x की वैल्यू माइनस वन तो आप पुट ही नहीं कर सकते, ओपन इंटरवेल है, अब बताओ उसकी मिनिमम वैल्यू, माइनस वन नहीं पुटअप कर सकते, अब बताओ उसकी मिनिमम वैल्यू, यू कैन नॉट पुट द वैल्यू माइनस वन, और कुछ वैल्यू पुट कर सकते हो, माइनस वन नहीं कर सकते, उससे छोटी वैल्यू कर सकते, उससे बड़ी वैल्यू कर सकते हो, मतलब करो पुट, बोलो सर, पॉजिटिव ही आएगी, पॉजिटिव ही आएगी, नहीं आ तो नेगेटिव ही सकती है, अच्छा माइनस 0.5 पॉजिटिव आएगी, कितनी आएगी पॉजिटिव, तो 1 भी होती है, 2 भी होती है, 0.5 भी होती है, 0.1 भी होती है, 0.2 भी होती है, कुछ भी पॉजिटिव वैल्यू होती है, तो पॉजिटिव कितनी आएगी, कि कौन सी वैल्यू आएगी पॉजिटिव, 1 कैसे लाए आप, x की वैल्यू 0 पुट अप करके, राइट? यस। अच्छा, आपने x की वैल्यू 0 पुट अप करी तो उससे मिनिमम वैल्यू उसकी क्या आई, 1 आई, क्यों आप x को माइनस 0.5 नहीं पुट अप कर सकते, प्लस no, सर, क्यों बेटा, माइनस 1 है और 1 है, माइनस 1 को टच नहीं करना, माइनस 0.5 तो यही रह गया, क्यों नहीं पुट अप कर सकते इसको, यस सर, कर सकते हो, तो 1 माइनस 0.5 क्या होगा, 0.5, ये लो मैं आपसे भी छोटी वैल्यू लिया है, आप वैल्यू लेके आए 1, मैं आपसे भी छोटी वैल्यू लिया है 0.5, आ जाओ और छोटी लाऊं, देखें थोड़ा और इधर शिफ्ट हो जाओ, माइनस 0.9 ले लो, वो भी ले सकता हूं मैं, माइनस 1 नहीं ले सकता, तो 1 माइनस 0.9 ये लो, और छोटी वैल्यू आ गई। अब आप कहोगे सर ये तो सबसे छोटी वैल्यू, इससे छोटी नहीं ला सकते, बेटा इससे भी छोटी ला सकता हूँ, लाके दिखाऊं, माइनस 0.99 पुट अप करना एक बार, अभी भी मैंने माइनस 1 नहीं रखा है, मैं माइनस 1 नहीं रख सकता हूं, मैंने रखा भी नहीं है, इसको माइनस करोगे 1 माइनस 0.99 यू विल गेट 0.01, ये लो और छोटी वैल्यू आ गई, इससे भी छोटी, और इससे भी छोटी ला सकते हो, और इससे भी छोटी ला सकते हो, आंसर बताए क्या है, देयर इज नो सच मिनिमम वैल्यू। अब आप कहोगे सर इंटरवल तोड़ने के बाद मिनिमम वैल्यू क्यों नहीं मिली, कोई बता सकता है क्यों नहीं मिली, इंटरवल भी तोड़ दी अभी भी मिनिमम वैल्यू क्यों नहीं मिली? क्योंकि सर ये इंटरवल इनफाइनाइट है, ये इंटरवल ओपन इंटरवल है, और आपको मैंने बताई थी एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमा हमेशा क्लोज्ड इंटरवल में मिलती है, बताया था? यस सर। तो कहां है क्लोज्ड इंटरवल बेटा, आप माइनस 1 से 1 तक आपको इंटरवल लेनी थी, है ना, तो आप माइनस 1 या 1 तो ले ही नहीं पा रहे हो,
तो आप माइनस वन के नजदीकी नंबर लोगे। अब नजदीकी नंबर डिफाइन है क्या, कभी कभी इसके नजदीकी नंबर क्या है, इस चीज को आप डिफाइन कर सकते हो क्या? कोई कहेगा कि सर मैं माइनस का 0.9 ले लू, कोई कहेगा सर और नजदीक जा सकता हूं, मैं जाके देखा और नजदीक चला गया 0.99, और नजदीक चले जाओ 0.999, और चले जाओ जाते ही जाओ। तो ऐसी कोई इसका नजदीकी वैल्यू आप पता ही नहीं कर सकते, तो इसकी कोई मिनिमम वैल्यू है ही नहीं। सिमिलरली आप 1 के करीब चले जाओगे, 1 तो ले नहीं सकते, 1 के करीब कोई गया कि कहेगा कि ये माइनस है ना, 1 के करीब कोई कहेगा कि सर मैं 0.9, मैं कहा और करीब जा 0.99, और करीब जा 0.99, तो ऐसे करके 1 के करीब भी जा सकते हो, लेकिन वो नंबर नहीं पता कर सकते कि 1 का करीबी नंबर कौन सा है, बिल्कुल करीबी नंबर। उसी तरीके से माइनस 1 का करीबी नंबर, तो नंबर ही नहीं पता कर सकते, तो यू कैन नॉट फाइंड द मैक्सिमम और द मिनिमम वैल्यू। समझ में आई? तो मैं क्या लिखूंगा हेयर, वी कैन नॉट फाइंड द क्लोजेस्ट नंबर ग्रेटर देन माइनस वन से क्लोजेस्ट नंबर और उससे बड़ा हो वो हम फाइंड नहीं कर सकते। सो देयर इज नो मिनिमम वैल्यू ऑफ एच ऑफ एक्स। सिमिलरली वी कैन नॉट फाइंड द क्लोजेस्ट नंबर लेस देन प्लस वन। वी कैन नॉट फाइंड द क्लोजेस्ट नंबर लेस देन वन, हेंस देर इज नो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एच, हेंस देर इज नो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एच। पीछे आंसर मैच कर लीजिए, देर विल बी नो मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू। समझ आया? यस सर। हाँ, क्लोज इंटरवेल ले लो -1, 1, फिर तो पता चल जाएगी, ठीक है ना? इसलिए मैंने आपको कल की इंट्रोडक्टरी क्लास में बताया था कि एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमा हमेशा क्लोज इंटरवल में ही मिलता है। पहली चीज हमने ये कही थी, टॉपिक का नाम भी यही था कि मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू इन ए क्लोज इंटरवल। ठीक है बच्चों, बोलो। यस सर। यस सर। चलिए तो काफी आज के लिए, तो आज हम लोगों ने केवल और केवल फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन किया है, अभी तक एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स अप्लाई नहीं हुआ है ना। विदाउट द यूज ऑफ डेरिवेटिव्स हमने मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कैसे पता करते हैं इस बारे में चर्चा करी। कल से अब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स फुल फेस में अप्लाई होगा। फाइंड द लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा। अब लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा क्या होता है बोलना जरा, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा क्या होता है बोलना जरा, बताओ सर। लोकल मैक्सिमा तो जब ग्राफ पीक पर जाए जिस पॉइंट पर, लोकल मैक्सिमा मतलब ग्राफ बढ़ते बढ़ते कम हो गया, ग्राफ इंक्रीज होते होते डिक्रीज हो गया, तो किस पॉइंट पे वो डिक्रीज हुआ वो है लोकल मैक्सिमा। लोकल मिनिमा मतलब ग्राफ डिक्रीज होते होते इंक्रीज हो गया, तो किस पॉइंट पे वो इंक्रीज हुआ वो है लोकल मिनिमा। और ऐसे इनफाइनाइट पॉइंट्स हो सकते हैं, तो उसको निकालने के लिए हम क्या यूज करते हैं, डेरिवेटिव्स यूज करते हैं, वो हम कल से सीखें। कल सीखा हुआ है मतलब क्वेश्चंस लगाएंगे कल से, ठीक है बेटा? एनी डाउट्स? और सर ये जो लास्ट क्वेश्चन है सेकंड का, उसमें सर अगर ओपन क्लोज इंटरवल आ जाता तो मिनिमम वैल्यू -1 होती ना? बिल्कुल बिल्कुल, अगर हम यहाँ पे क्लोज इंटरवल ले लें तो अब आप -1 ले सकते हो आखिरी, -1 लोगे तो मिनिमम वैल्यू 0, और +1 ले सकते हो सबसे आखिरी मैक्सिमम में, तो फिर मैक्सिमम वैल्यू 2 हो जाती है, 0 and 2 हो जाता फिर, ठीक है? और कल को ऐसे भी दे सकता है, देखो इधर से क्लोज कर दे इधर से ओपन कर दे। अब क्या करोगे कि सर ओपन तो नहीं मिनिमम वैल्यू तो नहीं बता सकते, मैक्सिमम वैल्यू बता सकते हो, इधर क्लोज कर दे इधर ओपन कर दे, तो अब मिनिमम वैल्यू बता सकते हो मैक्सिमम नहीं बता सकते। दोनों ही ओपन है सर, दोनों ही नहीं बता सकते, क्योंकि उसके नजदीक का नंबर फाइंड आउट ही नहीं किया जा सकता। इट इज इम्पॉसिबल टू फाइंड आउट द क्लोजेस्ट नंबर, द नंबर विच इज वेरी वेरी क्लोज टू -1, है ना? जितना करीब जा सकते हो चलते जाओ और क्लोज होते जाओगे, लेकिन बिल्कुल वो नंबर क्या है वो नहीं पता कर सकते, ठीक है?
fine? Yes, sir. Okay. Thank you so much for listening to us. Have a nice day. Keep learning and bye. क्लास नाइन्थ के बच्चे अगर हैं तो आपस से ज्वाइन कर लीजिए।